जी 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 कुछ भी शराइत होने लगी होंगे जी 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 लेकिन उसमें स्कूल खोल करके आप लोगों ने एक ही गली में आकर स्कूल खोले हुए हैं, तो इसकी कौन सी मजार है, इस तरह के स्कूल क्या होते हैं? दूसरा ये कि वो आप 15,000 रुपए दे के उससे एनर्जी लेते हो, तो 15,000 के बस फिर आप सारा जिंदगी जो है हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होनी से लेते हो, तो ये तो नहीं आप क्यों देते हो? देख हम इसकी मुखालफत की, देखो 2800 स्कूलों में हमारे साथ 1800 से ज़्यादा 1873 स्कूल हमारे मेंबर्स हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ये हमारे प्रेसिडेंट मीर बदर खान लांगू साहब जब इनका ये प्रेसिडेंट बना मैं चेयरमैन आया तो कई स्कूलों ने उनके पास आया कि हम सालाना मंथली चांदा भी देंगे, ये करेंगे, आप हमें रजिस्ट्रेशन मेम्बरशिप दो। हमने कभी मेम्बरशिप नहीं दी। देखो बिलखसूस मसला तो ये है कि उस सिचुएशन को जो नामनायक सिचुएशन बना हुआ इसको प्रमोट करने वाला कौन है, प्रमोट करने वाले कौन है? हम तो बार बार ये कहते हैं, मीडिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि आप जाए सबसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं हूँ, चेयरमैन हूँ, जो भी आप हमारे स्कूलों को विजिट तो करें, हम आपको वेलकम करेंगे, आप खुद हमें अप्रिशिएट करेंगे। सर हमारे पास खेजी चौक पे एक गवर्नमेंट स्कूल है जो प्राइमरी है जिसके ना खिड़कियाँ हैं, ना दरवाजे हैं, ना कोई पंखे हैं, ना कुछ है, साथ इसातिज़ा और जो क्लासरूम लाजमी है उस पर तनख्वाह ले रहे। हमारे कारी तैयब साहब को वहाँ स्कूल है, वो बीवी और एक बेटी और दो टीचर्स उन्होंने रखे हुए, 287 बच्चों को वो पढ़ा रहे, फीस उनके 500 से 700 तक गए। अब हाई कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है जो 500-700 रुपया आप फीस ले रहे हो, स्कूल खोला हुआ है और ये 5-4 बंदे। उसने कहा सर आप गवर्नमेंट स्कूल तो ठीक कर दो, फिर लोग पागल हैं मेरे तरफ आएंगे। आपके ये गवर्नमेंट स्कूल का तस्वीर है, ना उनके दरवाजे हैं, ना उनकी खिड़कियाँ हैं, 7 इसातिज़ा और 2-3 क्लासरूम लाजमी उस पर तनख्वाह ले रहे, स्कूल का ग्राउंड ही नहीं है सर, स्कूल का चार दीवारी ही नहीं है। तो मेरे रिक्वेस्ट ये है, आपका सवाल का जवाब सर, अगर गवर्नमेंट इस पर संजीदा हो, अगर हमारे मीडिया हमारे साथ दे, तो ये चीज़ जो मैं कहता हूँ कि जो काली बेड़िया हमारे तालीम में वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं करते, मुस्तरद करते हैं सर इस फैसले को, किसी सूरत में भी इसको वो मानते नहीं है, इसको मुस्तरद करते हैं। तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे 15 दिसंबर तक खुले रहेंगे, हम बच्चों से एग्जाम लेंगे, उसके बाद हम तालीमी इदारे खुद करते हैं। कर दें, ख्वाहिश पूरा कर दें, ये अगर इसमें इतनी हिम्मत होता तो अपने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल तो ठीक कर लेते। 2 साल में इन्होंने कौन सा तीर मारा? एक गवर्नमेंट स्कूल बताया कि उन्होंने वहाँ रिफॉर्म लाया, एक गवर्नमेंट स्कूल का सिर्फ जाकर बच्चों के साथ तस्वीरें लेना, खाना खाना, इसके अलावा उन्होंने कौन सा तीर मारा है? एक गवर्नमेंट स्कूल, हमें पता है, हमें गवर्नमेंट का कमजोरी पता है ना, जो हमें आज खुल के बोल रहे वो ये करेगा, जातियात पे आएगा, मेरे स्कूल बंद करेंगे, बंद करेंगे, हम देखेंगे वो कैसे हमारे साथ जाएंगे, ना तो इनका वजारत तालीम चलेगा, ना ये घर चलेगा, ना सीएम चलेगा, हम बताएंगे। हम महजब माशरे के इसातजात है, हम हमेशा कोशिश करते थे कि पुराम बन रहे, पुराम बन रहे, इन्होंने मजाक बनाया। अब आप और आपको खुदा, मैं बच्चों को कैसे प्रमोट कर दूँ? आपका बच्चा मेरे स्कूल में, मैं उसको प्रमोट करूँ? आप मानते हो? उसने कहा टीचर से तंग, पेरेंट्स से फीस लो, सबसे पहले तो आप लोग वाला फीस लो, क्या ये है? हमारे जमीर नहीं मानता कि हम पेरेंट्स से फीस ले और आराम से बैठे रहे कि बस ठीक है और टीचर्स को नखा दे। अभी तो विंटर सीजन है, क्या आप उनके स्कूलों में सहूलियत है, गैस प्रेशर सर आज क्या बच्चों को बीमार करवाएंगे, क्या आप सहूलियत सर? 20 दिन हमने मांगे, सिर्फ 15 दिसंबर तक हमने मांगा, हर साल 15 से 25 दिसंबर तक तालीमी इदारे खुले रहते थे जी। सर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जब पहले दिन कहा कि 2 महीने ना खोले, पेरेंट्स से फीस लिया, वो कहते हैं खुदा रहा यार ये 2 महीने जो आपने पढ़ाया अब उनसे फीस ले। सर हमने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने करवाया है, 3 महीने में टारगेट दिया गया था, 3 महीने अभी इस दिसंबर नवंबर में हमारे 3 महीने मुकम्मल हो रहे। हमने क्योंकि 15 अगस्त से अपने तालीमी इदारे खोले थे, गवर्नमेंट ने 15 सितंबर से, हमने 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोले थे, हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयारी करवाई है। गवर्नमेंट मीडिया आकर मेरे स्कूल में सबसे पहले मेरे बच्चों से जो आपके स्मार्ट सिलेबस है उसका टेस्ट ले ले, मैं चैलेंज करता हूं कि आकर 99% मेरे बच्चों का तैयारी हुआ है। क्या तमाम स्कूलों का है? मैं 1887 स्कूलों का नुमाइंदगी करता हूं, बलूचिस्तान में 2200 स्कूल है, मैं 1887 स्कूल का दावे से कहता हूं कि हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ाया है और वो उस शर्त पर पढ़ाया कि हमने 15 अगस्त से अपने तालीमी इदारे खोले थे।